ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल को जिस तरह से पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही हैं, उसमें अगर ये बिहार के लोग को जो भगाने की बात करती है चले गए तो उनको आसान होगा ये इसको पाकिस्तान बनाने। फेडरल स्ट्रक्चर के बाहर जाकर वो अपने आप को बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं। कल को वो बोलेंगे हम यहाँ सेना बनाएंगे, परसों ये बोलेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ बंगाल बनाएंगे। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद से बीजेपी लगातार प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे अर्जुन सिंह ने हाल में टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद अर्जुन सिंह ने ट्विटर पर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद कहा। अर्जुन सिंह ने टीएमसी की सदस्यता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ही ली। 2001 से लेकर 2016 तक लगातार 4 बार टीएमसी की टिकट पर विधायक बनने के बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में रहने के दौरान अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर खूब हमले बोले थे। इस साल जनवरी में ही अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बंगाल को देश से अलग करने की साजिश रचने का आरोप मुख्यमंत्री पर लगा दिया था। बयान दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि बंगाल में हम प्लानिंग कमीशन बनाएं, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के बाहर जाकर वो अपने आप को बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं। कल को वो बोलेंगे हम यहाँ सेना बनाएंगे, परसों ये बोलेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ बंगाल बनाएंगे। तो ये एक इसको क्या कहा जा सकता है, इसको यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदी भाषी लोगों के बीच अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाने वाले अर्जुन सिंह ने हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यूपी बिहार से आकर राज्य में बसे लोगों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल को जिस तरह से पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही हैं, उसमें अगर ये बिहार के लोग को जो भगाने की बात करती है चले गए तो उनको आसान होगा ये इसको पाकिस्तान बनाने। दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी ठीक करती है कि कौन बिहारी है और कौन बिहारी बाबू है, वो वही ठीक करती हैं। किसी बिहारी बाबू को बिहारी वो नहीं मानती हैं और ओरिजिनल जो बिहारी हैं उनको बोलती है कि बिहारी लोग 100 बीमारी का है। तो उनकी पार्टी एक्चुअली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो बॉस बोलता है वही सही होता है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अपने घर पर हुए हमले के लिए भी अर्जुन सिंह ने टीएमसी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था। जबकि भवानीपुर उपचुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत पर भी अर्जुन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मेरे घर के सामने कल बम चला है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि बम चला उस समय मैं वहाँ नहीं था। नवानों के इशारों पर ये चल रहा है, ममता बनर्जी के निर्देश से चल रहा है और पुलिस के दो जो अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी के सबसे खास उनको एक्सटेंशन दे के रखी हुई है रिटायर होने के बाद, गौतम सन्याल और सुरजीत प्रकाशव, इन दोनों लोगों ने इस काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दिन फर्जी वोटर डालते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं, वहाँ आप 80,000 आपको वोट मिले कि आप 50,000 वोट मिले कि 1,00,000 वोट मिले, इससे कोई माने नहीं रखता है। बंगाल ऐसे ही फर्जी वोट के लिए प्रचलित है और वहाँ ऑफिशियली पैरामिलिट्री ने 5-6 औरतों को दिन दिन भर बैठा के रखा, पकड़े थे लोग। तो इस तरह से कितने लोग वोट दिए, वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर वहाँ इलेक्शन कमीशन ने पूरा नेटवर्क नेक्सस बना दिया था कि कैसे फर्जी वोट डाले जाएं। पिछले विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने को लेकर अर्जुन सिंह ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। सुविधावादी व्यक्ति राजनीति में जो होते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं। जब अभिषेक बनर्जी का तृणमूल में उदय हुआ तो अभिषेक बनर्जी इनके बीच बड़ी अनबन थी और अभिषेक बनर्जी ने इनको धक्का देके घर से बाहर निकाला था। तो ये तृणमूल बीजेपी में आ गए, बीजेपी में फिर आने के बाद ये एक बार चाउमीन खाने के लिए चले गए, चाउमीन खा के फिर तृणमूल में चले गए, फिर वो बीजेपी में आ गए। तो इनका आयराम गयराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। पहले मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो और अब अर्जुन सिंह के टीएमसी में शामिल होने के बाद ऐसा लग रहा है मानो 2021 का चुनाव हारने के बाद से बंगाल में बीजेपी छोड़कर जाने वालों की जैसे होड़ लग गई हो।
अर्जुन सिंह तो ऐसे वक्त में पार्टी छोड़कर गए हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही बंगाल का दौरा किया था। अर्जुन सिंह के टीएमसी छोड़कर जाने पर पश्चिम बंगाल से ही बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि सिंह ने प्रशासनिक बुलडोजर के सामने घुटने टेक दिए। बीजेपी में एमएलए बनकर आए थे, एमपी बनकर के वापिस गए। बंगाल की राजनीति में हमेशा होता रहता है आना जाना, तो उसी परंपरा में भी गए। वो हमारे पार्टी आने के बाद उनका ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, प्रशासनिक बुलडोजर चलाया गया, उनकी व्यवसाय से लेकर उनके परिवार तक किसी को छोड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार प्रेशर लेने की और उनको संभव नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद से बंगाल में बीजेपी के लिए चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद स्थानीय निकाय चुनाव और आसनसोल लोकसभा सीट भी बीजेपी को गंवानी पड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने का दौर भी लगातार जारी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।